आज सॉल्व करते हैं 10वीं का साइंस का पेपर, विज्ञान का पेपर। कोड ए है मेरे पास। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल हैं। क्वेश्चन दो है आपके पास सेट ए से, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो ऑप्शन है सी। क्वेश्चन तीन है आपके पास, विद्युत धारा का एसआई मात्रक डैश अम्पायर है, एम्पायर। उसके बाद है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है। तो आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन पाँच आपके पास है, कभी कभी बारिश के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होती है। कारण आर, पानी की बूंदों में आंतरिक परावर्तन के कारण फैलाव होता है और अंतिम किरणें पीछे की ओर होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो है बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 12वां क्वेश्चन है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो है विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन 13 हमारे पास है, डैश एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रहती है। तो है वो पारा, PB। क्वेश्चन नंबर 15, सेट ए, स्फेद सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में ग्रे हो जाता है। कारण, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाने के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 15वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ठीक है, ए, सेट ए से। फिर है सी सेक्शन से 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन बी, घास, बकरी तथा मानव। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा मानव में नर जनन तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। क्वेश्चन 23, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारक CFC का बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव में अवटु ग्रंथि द्वारा थायरक्शन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है। तो क्वेश्चन का आंसर है आयोडीन। 24वें का राइट आंसर है आयोडीन। 25वां क्वेश्चन सेट ए से, विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कारण, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए ठीक है, ए एंड आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है।